एशियन मार्केट्स की आप बात करें काफी मिक्स क्यूज है, निके ऊपर है, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले को इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा दबाव जरूर झेल रहे हैं। बाजार रेजिस्टेंस 50 बिल्कुल फ्लैट है, तो आज बिल्कुल फ्लैट ही ओपनिंग होने की एक उम्मीद है। यूएस मार्केट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, डाउ जोन्स 83 पॉइंट्स बढ़ा, S&P लगभग 8 पॉइंट्स के आसपास के गेंस दिखा के बंद हुआ, नैसडेक में भी हल्की तेजी थी, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स 1.5% की छलांग लगा। अगर वो इसलिए क्योंकि जो जेरेमी का बयान एक दिन पहले आया था, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट्स के लिए। देखिए, अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ती निकट भविष्य में तो एक सिस्टम में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे और एक रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे, एक डर जो था बढ़ने का वो खत्म हो गया और ट्रेड उसके चलते पॉजिटिव हो गए। मेटल माइनिंग स्टॉक्स पे, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पे, कॉमोडिटी प्ले काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इस समय ये स्टॉक्स कुछ ड्राइव हो रहे हैं। ऊपर से अमेरिका में एक और बड़ा ट्रिगर ये था कि मार्च में 2,00,000 नई नौकरियां ADP रिपोर्ट के हिसाब से मिली हैं। यहां पर एक ट्रिगर डेटा पॉइंट निकल के आया, यूएस में जो क्रूड इन्वेंट्री थी वो 23,00,000 बैरल बढ़ी है, अनुमान था बाजार का कि 33,00,000 बैरल बढ़ेगी, तो ये आंकड़ा काफी बेहतर एक साबित हुआ। टेक्नोलॉजी शेयर्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे फोकस था और आज कहीं ना कहीं जॉबलेस क्लेम नंबर्स जो आने वाले हैं बाजार उनको भी कीनली ट्रैक कर रहा है। और जो मैं यूरोपियन मार्केट्स कह रहा हूं, तीनों इंडाइसेस 1.5% के आसपास मेन इंडाइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे, उसमें भी कॉमोडिटी प्ले हुआ, एंग्लो अमेरिकन जैसे स्टॉक, ग्लेनकोर जैसे स्टॉक्स में 5-12% की तेजी बनी और ऑयल एंड गैस प्ले जोरदार देखने को मिला। तो मैं फिर कहूंगा फिर से कॉमोडिटी प्ले हो सकता है मार्केट पे और आज के सत्र में, शुरुआती सत्र में एटलीस्ट एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है।